जोहार जोहार, स्वागत करते हैं हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र होने वाला है, लगभग अभी 100 किलोमीटर हमारा सफ़र होने वाला है। और आज हमारे साथ हमारे पिताजी, जो कि आज हम जा रहे हैं खैरानी खमतरा, जो कि बहुत दूर पड़ता है। और आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे कि महानदी, जो कि आप लोग गीत संगीत के माध्यम से महानदी के नाम सुने होंगे, पर कभी देखे नहीं होंगे आप लोग। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा और दिखाऊँगा भी आप लोगों को, वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और दोस्तों, समय हो चुका है, इस वजह से यहाँ का नज़ारा आप लोगों को बहुत कम दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम हैं कनेरी रैयत में हैं फिलहाल तो हम। और अब सीधे चलते हैं सहपुरा से और आगे चलेंगे, फिर आप लोगों को बीच बीच क्लिप दिखाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, बने रहो वीडियो में, मिलते हैं फिर आगे के रास्ते पर, मज़ा लेते हैं। चूँकि हम लोग सहपुरा और बाकी यहाँ पर हैं हम लोग, और अभी अब जानने वाले हम जो कि उमरिया रोड से सीधे चलते हैं, जो कि हम लोग ने लोकेशन सेट भी कर लिया है और पूछते भी जाएंगे। तो चलो दोस्तों, सामने को ध्यान रखते हुए चलते हैं आगे। पहुँच चुके उमरिया ज़िला, जो कि बहुत सारे गाँव उरवाही वगैरह वगैरह, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा सा जंगल है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरई का पेड़ पाए जाते हैं, हम लोग देख सकते एकदम सीधे पेड़ एकदम चकाचक हमारे क्षेत्र में। भाई ऐसा पेड़ नहीं पाए जाते हैं इधर, तो एकदम मस्त पेड़ है, एकदम चकाचक देखने में बिल्कुल मज़ा आता है। इधर कैसे भारी पत्थर है, इतने बड़े बड़े पत्थर भाई, खतरनाक, क्योंकि संगमरमर पत्थर जैसे दिख रहे हैं इधर। यानी पहले इधर बहुत ज़्यादा वो रहता रहा होगा, मिट्टी रेतील मिट्टी पर बह के पूरा यहाँ की मिट्टी चला गया है और पत्थर निकल चुके हैं। तो इधर का भाई ज़मीन भी बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अद्भुत लगता है। और मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, बहुत घूमने भागने के लिए बहुत ज़्यादा घूमते भागते, पर इस क्षेत्र में हमारा आना नहीं हुआ। ये क्षेत्र बहुत ही अद्भुत है, आप लोगों को दिखाते हैं। और महानदी आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि मैंने गूगल मैप के माध्यम से महानदी को देखा था कैसा है। अगर रास्ता मिलता है महानदी तो आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। तो अभी तक दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वो देखो माँ शारदा मंदिर प्रवेश कुछ इस तरह से यहाँ पर है, बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, अब हम लोग हैं बहुत चारों तरफ बिल्कुल जंगल ही जंगल दिख रहे हैं। जाएंगे और देखते हैं इधर का कैसा माहौल है और हमारा मंजिल कैसा है। और चलो दोस्तों, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इधर का कच्ची रोड कुछ इस तरह से है और हमारे क्षेत्र की कच्ची रोड कुछ अलग है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं महानदी और हमारे पिताजी, आप बताओ पहली बार देख रहे हो, कई बार देख चुके हैं ये साइड? तो पहली बार देख, तो मैं भी इस साइड पहली बार आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखा दें महानदी कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत है, प्यारा सा है महानदी। और देख रहे हैं आज आप लोगों को दिखा रहे हैं, आज है दुर्गा जी का विसर्जन हो रहा है, इसलिए बहुत सारे गांव के आजू बाजू जितने भी गाँव हैं उन गाँवों के लोग आकर दुर्गा जी का विसर्जन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा क्षेत्र है दोस्तों। एकदम जिधर देखो उधर रेतीली मिट्टी और ज़मीन तो एकदम घासू ज़मीन है। और आप लोग आगे किससे दिखाते हैं कैसा है, ये हैं खड़े और हम लोग इधर साइड से आए हैं और हमें जानना है इस तरफ। और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो कि दुर्गा जी का विसर्जन कर रहे हैं, और गाड़ी भी आए हुए हैं देखो। और ये गाड़ी, और देखो गाइस ये, और लोग आ रहे हैं दुर्गा जी विसर्जन करने के लिए, ये देखो आ रहे हैं और लोग ऊपर जा रहे हैं। और देखो ऊपर तो देखो भाई ये, और लोग शेर आ रहे हैं जस्ट अभी दुर्गा जी। और किसी का यहाँ पर भंडार चल रहा था तो वो भोजन करके बस बर्तन साफ कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ एक गाड़ी इधर है, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कि पूड़ी उड़ी खा रहे हैं, ये देखो
और पानी की तो बात ही अलग है। ये देखो बहुत अच्छा पानी है स्पेशल। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का पानी को देखो भाई, ये देखो कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे सीप हैं, तो सीप को भी कोई लोग सीप पकड़ रहे हैं। ये लड़कियां देखो ये अपने बाल धुल रहे हैं। एकदम पानी भाई एकदम खतरनाक पानी है यार, ये एकदम खतरनाक है। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और ये देखो एक गाड़ी पहुंच चुकी है विसर्जन करने के लिए। ये देखो ये यहाँ से और नीचे साइड भी देखो। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ देखा और बाकी बहुत सारी चीज़ें जानकारी ली। और यहाँ से अब चलते हैं हम अपने मंजिल की ओर। यहाँ से जस्ट 5 या 6 किलोमीटर दूर हमें जाना है, तो चलो क्योंकि समय भी हो रहा है इस वजह से अब हम चलते हैं, तो बने रहो वीडियो में। और दोस्तों हम लोग पहुँच चुके फाइनली खमतरा, और खमतरा से हमें जाना है खैरानी। और देखते हैं कहाँ से जाना पड़ता है खैरानी, तो एक आध जगह रुकते हैं हम और वहाँ से बात करेंगे। और दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं खमतरा, और पीछे साइड मार्केट है आप लोगों को दिखाया था, और अब हम जा रहे हैं इधर साइड और देखते हैं क्योंकि पहली बार जाना हो रहा है इसलिए थोड़ी सी चूक ना जाए रास्ता, इसलिए बस बने रहो वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। और दोस्तों पहुँच चुके हम खैरानी तेरा, और इधर साइड से आए थे हम लोग, ये इधर साइड थोड़ी जीत गए थे तो यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ सीधे बगे इधर साइड ये, और आप लोगों को दिखाते हैं खैरानी लिखा हुआ। देखो दोस्तों ये देखो खैरानी लिखा हुआ है 1 किलोमीटर दूर, तो अपन को 1 किलोमीटर दूर जाना है खैरानी इधर साइड। तो कैसा एरिया है भाई, खतरनाक जगह है इधर, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। देखो दोस्तों वन विभाग वालों का पूरा लिखा हुआ है क्या क्या कैसा है इधर, ऐसा गांव है एक अलग अलग ही है यहाँ पर, पूरा वन ग्राम का कब्जा लग रहा है मेरे हिसाब से तो यहाँ पर। अब कहाँ हो रहा है पता नहीं, अब देखते हैं क्योंकि पहली बार आए हैं हम लोग, तो यहाँ के बारे से विशेषकर जानकारी अपन को नहीं है भाई, इसलिए देखेंगे सुनेंगे जानेंगे। लगभग पहुँच चुके हम खैरानी, और कुछ इस तरह से नाला है भाई नीचे हानी से, यहाँ कुछ इस तरह से नाला है जो कि देखने में बड़ा मनभावक है, इसलिए हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पर देखने हिसाब से, और आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत सारी मछलियाँ भी दिख रहे हैं यार यहाँ पर। ये देखो ऐसा ऐसा नाला है यार, मैं तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नाला देखा नहीं भाई। ये देखो ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक नाला है ये देखो, मतलब ये जो दिख रहा है आप लोगों को पट पर ना, तो ये जो नाला दिख रहा है तो ये नाला को पानी ही काट डाला है और बीच से अपने लिए रास्ता बना लिया है, इस वजह से एकदम सर्फ दिख रहा है। देखो ये खतरनाक हो रहा है। और ये देखो इधर साइड दिखाते हैं आप लोगों को हम, नीचे साइड देखो कुछ मछलियाँ भी दिख रहे हैं चक 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 चक। ये देखो अब हम चलते हैं सीधे गांव की ओर, तो वीडियो में बने रहो दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों पहुँच चुके हम खैरानी, और ये देखो अभी दुर्गा जी विसर्जन होने को है, सभी लोग जुड़े हुए हैं गाँव वाले, और बहुत अच्छा एरिया है इधर साइड जो कि मैंने पहली बार यहाँ पर आया हूँ। देखो ये है आंगनवाड़ी, देखो ये लोग हैं, और ये हमारा बाबू साहब, ये इधर आओ इधर, इसके पता पूछ रहे थे और ये यहीं मिल गया हमको, और बाकी लोग जा रहे हैं उधर घर साइड, इधर साइड घर है ना, घर ले जाओ। हाँ चलो था। तो पहुँच चुके हम घर में, और बहुत अच्छे इधर है देखो बारी जैसे जगह में, बहुत अच्छा अच्छा धान बोए हैं लोग, और मुर्गा भी बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ का। लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे किनारे किनारे लगाए हैं, भांटा लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इतना सारे बाहरी, ये देखो बाहरी के लिए ये क्षेत्र माना जाता है, बहुत सारे बाहरी भी देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। ये देखो और दोस्तों ये देखो मिर्चा, कौन सी मिर्चा बाबू यार, ये कौन सी मिर्चा है? हाँ कस मिर्चा, एक नाम का कहते हैं ये मिर्चा, मैं पहली बार देख रहा हूँ असना कलर होते था नहीं, कट देख करिया कलर वाले, अरे भजरा मिर्चा, भजरा मिर्चा है हाँ ये। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये देखो ये है भांजी हमारे, ये देखो इधर देख बेटा, ये है देखो ये बैठी हुई है और हंस रही है मेरे को देख देख के। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाना था, और ये सफ़र का वीडियो इसलिए हम
तो दोस्तों हमने आप लोगों को पूरा सफ़र का वीडियो दिखाया, कहाँ क्या है कैसा है, और महानंदी को भी आप लोगों को दिखाया। तो कुछ इस तरह से था आज का हमारा सफ़र का वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना कि आप लोग कौन कौन देखे हो महानंदी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जोहर जोहर।